हाय फ्रेंड, मैं बिरेंद्र और आप देख रहे हैं बिरेंद्र टेक्निकल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रेंड इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो फ्रेंड इस वीडियो को बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक जरूर देखें। तो फ्रेंड फाइनली जो है हमारा यूट्यूब चैनल यानी फ्रेंड बिरेंद्र टेक्निकल यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया है। जी हाँ फ्रेंड, हमारा यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन इनेबल होने के लिए कितना टाइम लगा और फ्रेंड आखिर मैंने कितना बार मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया तब जाके फ्रेंड हमारा यूट्यूब चैनल जो है फ्रेंड मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया। और फ्रेंड मोनेटाइजेशन इनेबल के लिए अप्लाई करने से पहले मैंने आखिर क्या क्या किया सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड बिना लेट के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले फ्रेंड यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड अभी से कर दीजिए लाइक। फ्रेंड आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि फ्रेंड मेरा आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो फ्रेंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक छोटा सा ब्रेक से। फ्रेंड सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन इनेबल होने में कितना टाइम लगा। तो फ्रेंड पिछले महीना ही फ्रेंड मैंने 13 जुलाई को ही फ्रेंड यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था और फ्रेंड 15 जुलाई को हमारा यूट्यूब चैनल फ्रेंड मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया था। तो फ्रेंड कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण फ्रेंड मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने नहीं सका। तो फ्रेंड आज के बाद ऐसा नहीं होगा और फ्रेंड जो भी न्यू अपडेट आएगा फ्रेंड मैं आप तक पहुँचाने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड फाइनली हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल होने के लिए फ्रेंड 41 घंटा 35 मिनट लगा। जी हाँ फ्रेंड, पिछले महीना के फ्रेंड मैंने 13 जुलाई को फ्रेंड शाम के 6 बजे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था और फ्रेंड 14 जुलाई शाम को 6 बजे फ्रेंड मेरा जो गूगल एडसेंस अकाउंट है फ्रेंड वो अप्रूव हो गया था। यानी फ्रेंड 24 घंटा में मेरा जो गूगल एडसेंस अकाउंट है फ्रेंड वो अप्रूव हो गया था। यानी 24 घंटे का मुझे इंतजार करना पड़ा था तब जाके फ्रेंड मेरा जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो अप्रूव हो गया था। उसके बाद फ्रेंड हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए फ्रेंड अंडर रिव्यू में गया और फ्रेंड 15 जुलाई को फ्रेंड हमारा जो यूट्यूब चैनल है फ्रेंड वो मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया। और फ्रेंड 11:35 में यूट्यूब की तरफ से एक ईमेल आया और फ्रेंड उस ईमेल में लिखा हुआ था कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है फ्रेंड यूट्यूब की तरफ से मोनेटाइजेशन इनेबल कर दिया गया है। फाइनली हमारा जो यूट्यूब चैनल है फ्रेंड वो 2 दिन के अंदर में ही फ्रेंड मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया था। और फ्रेंड अप्लाई का बात करो तो फ्रेंड मैंने पहली बार ही फ्रेंड मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था और फ्रेंड पहली बार ही फ्रेंड मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। फ्रेंड मैंने लॉकडाउन में अपना यूट्यूब चैनल को 2 दिन के अंदर ही फ्रेंड मोनेटाइजेशन इनेबल कर लिया है। तो फ्रेंड आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो कि फ्रेंड लॉकडाउन होते हुए भी फ्रेंड 2 दिन के अंदर ही फ्रेंड मेरा जो यूट्यूब चैनल है फ्रेंड वो मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया। बात करते हैं अपना यूट्यूब चैनल की, तो फ्रेंड मैंने फ्रेंड इस चैनल को सितंबर 2018 को शुरू किया था। फ्रेंड आज लगभग 2 साल होने जा रहा है। इतना दिन इसलिए लगा क्योंकि फ्रेंड मैं रेगुलर नहीं हूं इस यूट्यूब चैनल में। जी हाँ फ्रेंड, यदि आप एक यूट्यूबर है और फ्रेंड आप भी अपना यूट्यूब में आप सक्सेस होना चाहते हैं तो फ्रेंड आप अपना यूट्यूब चैनल में रेगुलर वीडियो बनाए। जी हाँ फ्रेंड, आप जिस भी कैटेगरी का भी यूट्यूब चैनल बनाए हैं फ्रेंड उस कैटेगरी का आप रेगुलर फ्रेंड आप वीडियो डालें ताकि फ्रेंड आपको सक्सेस होने में ज्यादा टाइम नहीं लगे, जैसे कि मेरा तरह जो कि फ्रेंड मेरा लगभग 2 साल लगा है यहाँ पर। यदि फ्रेंड आप जल्दी सक्सेस बनना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं तो फ्रेंड आपको अपना यूट्यूब चैनल में रेगुलर वीडियो अपलोड करना होगा। तो फ्रेंड हम बात करते हैं कंटेंट की बात करें तो फ्रेंड इस चैनल में यानी फ्रेंड बिरेंद्र टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फ्रेंड आपको रियल ही कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। यानी फ्रेंड यहाँ पर मेरा खुद का ही कंटेंट यानी फ्रेंड खुद का ही वीडियो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड यानी फ्रेंड इस चैनल में मैं फ्रेंड किसी का भी वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ, यानी फ्रेंड किसी का भी वीडियो मैं इस चैनल में नहीं डाला हूँ, जिसके कारण से मेरा फ्रेंड जो मोनेटाइजेशन इनेबल हुआ फ्रेंड उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ और फ्रेंड इतना जल्दी हो गया है। तो फ्रेंड यदि आप भी चाहते हैं मेरा जैसा 2 दिन के अंदर ही फ्रेंड आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन हो तो उसके लिए फ्रेंड आपको खुद का कंटेंट अपना यूट्यूब चैनल पर डालना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, आपको अपना खुद का वीडियो डालना पड़ेगा तब जाके फ्रेंड आपका जो यूट्यूब चैनल है फ्रेंड वो 2 दिन के अंदर ही फ्रेंड मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। यदि फ्रेंड आप किसी बंदे का वीडियो को उठाते हैं और फ्रेंड आप अपना यूट्यूब चैनल में अपलोड करते हैं डालते हैं तो फ्रेंड वहाँ पर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिलेगा और फ्रेंड कॉपीराइट स्ट्राइक मिलेगा तो फ्रेंड जो आपका यूट्यूब चैनल है फ्रेंड वो मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा। इसीलिए फ्रेंड आपको अपना खुद का वीडियो बना के फ्रेंड अपना यूट्यूब चैनल में अपलोड करना चाहिए। खुद का वीडियो आप अपना यूट्यूब चैनल में डालते हैं तो फ्रेंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और फ्रेंड 2 दिन के अंदर ही फ्रेंड जो आपका यूट्यूब चैनल है फ्रेंड वो मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट के। जी हाँ फ्रेंड, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड ये वीडियो मैंने बनाया है मोनेटाइजेशन के ऊपर। जी हाँ फ्रेंड, मोनेटाइजेशन के ऊपर मैंने इस वीडियो को बनाया है और फ्रेंड इसका टाइटल जो है फ्रेंड किसी सॉन्ग का टाइटल दे दूंगा व्यू पाने के लिए, या तो फ्रेंड किसी और का दे दूंगा जो कि ज्यादा वायरल हुआ है उसका यहाँ पर टाइटल लगा दूंगा। तो फ्रेंड ये जो है बिल्कुल स्पैम है फ्रेंड। इस तरह से आपका जो डिस्क्रिप्शन और टैग और टाइटल जो है फ्रेंड इसको आपको नहीं लिखना है। जैसे कि फ्रेंड मैं ये मोनेटाइजेशन इनेबल से रिलेटेड वीडियो बनाया हूं तो फ्रेंड यहां पर मैं मोनेटाइजेशन रिलेटेड से ही फ्रेंड यहां पर टाइटल डालूंगा, डिस्क्रिप्शन और टैग डालूंगा। यदि फ्रेंड आप किसी और का टाइटल डालते हैं, जैसे कि फ्रेंड यहां पर मैं मोनेटाइजेशन इनेबल से लेकर बनाया हूं और फ्रेंड किसी संग का या तो किसी और का टाइटल यहां पर लगाता हूं, डिस्क्रिप्शन भी लगाता हूं, टैग भी लगाता हूं तो फ्रेंड वो स्पैम होगा और फ्रेंड यूट्यूब की तरफ से आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिलेगा और फ्रेंड फिर भी आपका जो यूट्यूब चैनल है फ्रेंड वो मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा।
यानी फ्रेंड आप जिस टॉपिक पे बात करेंगे अपना वीडियो में फ्रेंड, उसी टॉपिक का आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग होना चाहिए, तब जाके फ्रेंड जो आपका यूट्यूब चैनल है फ्रेंड मोनेटाइजेशन इनेबल होगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ जानकारी मिली है, और मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और फ्रेंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो की नोटिफिकेशन जानकारी आप तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।